फिर मुझे बता, पूछ तुझे पता है इंडिया हैज वन टू गोल्ड मेडल्स इन फुटबॉल इन एशियन गेम इन 1951 एंड इन 1962. रियली? अब क्या हो गया हमें? इट वॉज अंडर अ कोच कॉल एस ए रहीम, जिसकी मूवी आ रही है, उनके पर बायोपिक बनी है कॉल मैदान, स्टारिंग अजय देवगन. इट वॉज द गोल्डन एरा ऑफ फुटबॉल इन इंडिया, एंड उसके बाद 60 साल हो गए, हमने एक भी मेडल नहीं जीता. शिट, ओवर एक्टिंग के 2 रुपए काटो इसके. ओके, आई मस्ट से ये मूवी देखकर मुझे काफी टाइम थिएटर वाली फीलिंग आई. ऑडियंस क्लैप कर रहे थे बहुत टाइम बाद. अजय देवगन के एवरी डायलॉग्स पे ऑडियंस ने क्लैप किया है. यू नो, चेयरिंग हो रही है इंडिया के लिए, एक स्माइल आ रही है. इंडिया जब स्क्रीन पे दिख रहा है फुटबॉल खेलते हुए, आपको अंदर से वो खुशी आएगी, एक्सिलेटिंग फील आता है, वो आ रही थी. यू रूटिंग फॉर इंडिया. यस, यू रूटिंग फॉर इंडिया. दैट्स द काइंड ऑफ मूवी इज मैदान. टू स्टार्ट विद, अजय देवगन एज अ कोच, एस ए रहीम, माई गॉड. ओके, अजय देवगन फर्स्ट ऑफ ऑल कांट प्ले फुटबॉल, दैट्स देयर. But whenever he comes on screen and the dialogues that he says, and as a coach, oh my god, he's amazing. Yaar, in generally such a good actor. And mujhe kabhi, you know what, samajh nahi aa pata Ajay Devgan kaise karta hai, because he looks the same, but whenever he's in the movies, character ban jata hai yaar wo. Yeah. So look at the Ranveer Singh is a chameleon in Bollywood. I would say Ajay Devgan is an underrated chameleon in Bollywood. All right. Ranveer Singh ko chameleon koi nahi kehta, but it's okay. Ranveer Singh hater bol raha, Ranbir Kapoor lover bol raha. Coming back to Ajay Devgan, but yeah, true, I agree with you. Yeah. Another guy who took my breath away was Gajraj Rao. All right. His arc in the movie is really amazing. He starts as a villain, but towards the end uska jo parivartan hota hai throughout the movie, oh, that's amazing to watch. But I completely agree with you. Matlab yaar, क्या सही एक्टर है वो. एक तो बधाई हो से जो उसकी किस्मत चमकी है गजराज राव की, एंड उसने क्या काम किया है. और मैदान के अंदर भी, लाइक यू राइटली सेड, परिवर्तन, उसने परिवर्तन को बहुत अच्छे से शो किया है. परिवर्तन को शो किया. yeah, कहाँ पे शो किया? मैदान में, आंखों से यार. ओके, उसकी आंखें नहीं देखी. अनदर एक्ट्रेस दैट आई वांट टॉक अबाउट इज प्रिया मणि. यार, प्रिया मणि, दिस गर्ल इज सच अ रेवोल्यूशन इन बॉलीवुड राइट नाउ, डूइंग सच वास्ट वर्क फ्रॉम जवान टू मैदान. Yeah, I know. My God. यार, she takes my breath away. Exactly, यार, वो जब भी स्क्रीन पे आती है, she is so strong and she is such a solid performer. I agree. Article 370 अलग, जवान अलग, और अब मैदान. She really compliments Ajay Devgan whenever she is there on the screen. Okay, she makes a presence feel. जहाँ पे Ajay Devgan खड़ा है and she is making a presence feel. Exactly. I feel that's a strong, strong suit of an actor. That. And I like her. Another thing that I want to talk about in this movie is the amazing camera work. All right, first of all, jab wo aap wo screen pe badi match dekh rahe ho, you know, the camera shakes, the camera work, the leg movements, the dribbling and everything. Jaise hum chakde mein dekhe the, jis tarah se maine shoot kiya tha, make it 2 times better than chakde in the camera work, I would say. All right, because showing it on a 70mm in such a nice way, I really hats off to the DOP match man. देखने में मजा आ रहा था. yeah. सिंपल भाषा में अगर ऑडियंस को बोले, वो मैच देखने में ऐसा लग रहा था हम वाकई में अच्छा सा मैच देख रहे हैं. और आपको वो जो एंजाइटी और नर्वसनेस फील होती है ना प्लेयर्स की, वो फील होगी. वो फील दैट वाज द होल पॉइंट ऑफ इट. बिकॉज उसके बाद जब लोगों की तालियां बज रही थी, लोग चेयर कर रहे थे, इंडिया इंडिया चिल्लाया जा रहा था बीच में, ओ माई गॉड, इट्स वेरी नाइस. मजा आ गया यार. पता है क्या, व्हाइल आई लव द फिल्म, आई डिड नॉट एंजॉय द म्यूजिक. Okay. मतलब यार, इतने अच्छा स्पोर्ट्स फिल्म बना रहे हो और सब कुछ है, मजा आ रहा है, वो मोमेंट्स है, बट स्टिल इट वाज मिसिंग द मार्क जस्ट बिकॉज ऑफ बैड बीजीएम. मैं तेरे को बता दूं क्या मिसिंग था. क्या? इसमें एंथम मिसिंग था. यस, स्पोर्ट्स एंथम. बट सीरियसली, गूज़बम्स मूवमेंट्स थे, पता चल रहा था मुझे, मेरी बॉडी को लग रहा था गूज़बम्स आने चाहिए, बट आ नहीं रहे थे बिकॉज़ ऑफ म्यूजिक. अग्रीड. एंड आई बिलीव स्क्रीन प्ले भी थोड़ा शैबी था, देयर वाज अ लॉट ऑफ जंप कट्स. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, क्या बोले, स्पोर्ट्स मूवी में लोग खाली सुट्टा फूक रहे, लंग कैंसर है लोगों को, और कंटिन्यूस वो साइन वहां पे लगा हुआ है कि स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ. आई नो, बना रहे हो आप. मुझे पता क्या याद आया था, देख के इस शहर को ये हुआ क्या, कहीं कहीं धुआं धुआं. एनीवे, ऑल इन ऑल ये मूवी तो काफी अच्छी है, आप जाके अपनी फैमिली के साथ देख सकते हो. वी आर गोइंग विद 3 stars फॉर दिस वन, राइट? आई एम ओके विद इट. वी आर गोइंग विद 3 stars. टिल देन, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू फिल्मी. बाय.